हेलो फ्रेंड्स, ओल्ड इज गोल्ड क्राफ्टर विद आशा चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज हम आपको चूड़ी और रबड़ से वॉल हैंगिंग बनाना बताएंगे, दीवार पर टांगने वाले। हमने इस तरीके से रबड़ को चूड़ियों पर चढ़ा लिया है। इस तरीके से रबड़ को अच्छी तरीके से चूड़ी पर चढ़ा लीजिए, जिससे कि सारी चूड़ी ढक जाए और इधर उधर से नहीं दिखे। हमने इसी तरीके से सारी चूड़ियों पर धीरे धीरे रबड़ को चढ़ा लिया, जिससे कि चूड़ियाँ अंदर ही साइड चली जाए। यह आपके सामने सारी चूड़ियाँ रबड़ चढ़ के तैयार हो चुकी हैं। अब हम ऊन लपेटना बताएंगे। हमने ऊन ले ली है और इस तरीके से इसको लपेटते चले गए हैं, जिससे कि एक फूल का डिज़ाइन बन के आए और यह और भी सुंदर लगने लगे। तो इस तरीके से हमने इसको लपेट लिया है और फेमिकॉल की सहायता से इसको अच्छी तरीके से चिपका दिया है, जिससे कि यह छूटे नहीं। क्योंकि छूटने के बाद यह लूज हो जाएगा, जिससे कि यह फूल बेकार हो सकता है, इसलिए हमने इसको अच्छी तरीके से फेमिकॉल से चिपका दिया है। अब हम दूसरा बनाना बताएंगे। इसी तरीके से दूसरे को भी फेमिकॉल के साथ ऐसे पहले ऊन को चिपका लीजिए और फिर इसी तरीके से फोल्ड करते जाइए, जिससे कि यह फूल अच्छी तरीके से बन के आए और यह और सुंदर दिखे। हमने इस तरीके से यह भी फेमिकॉल की सहायता से चिपका लिया है। हमने ये इस तरीके से सारे चूड़ियाँ तैयार कर ली हैं और इन पर शीशे भी लगा दिए, जिससे कि ये और ज़्यादा सुंदर लगे। और इस तरीके से हमने इसको रखना शुरू कर दिया। पहले एक, दो, फिर तीन, फिर चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, हमने इस तरीके से यह रख दिया है। अब हम इसको बस फेमिकॉल की सहायता से या गम की सहायता से इनको आपस में चिपका देंगे, जिससे कि ये इधर उधर को हटे नहीं। हमने इस तरीके से इनको गम की सहायता से चिपका दिया है, जिससे कि ये इधर उधर को हटे नहीं और बहुत सुंदर बन के आए। इसी तरीके से हमने सारों को चिपका लिया है और ये आपके सामने चिपक गया। और नीचे हमने ऊन का एक झूमर सा बनाकर लगा दिया है। अब हमने कुछ ऊन लेकर इस तरीके से इसको चिपका दिया, ये आपके सामने तैयार हो चुका है। ये आपके सामने तैयार हो चुका है, अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। देखिए कितना सुंदर दीवार पर टंगा हुआ कितना सुंदर लग रहा है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो गुलदस्ता देख सकें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।